हेलो जी राशि साहब, क्या हाल है? ठीक है? सॉरी मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं? सेहत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये पूछना था कि हाजर और नाजर क्या अकीदा है आपका, तो इस पर आयत पेश करते हैं कुरान की या सैयद ईसा के अल्लाह के नबी हाजर और नाजर हैं। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जहाँ से मर्जी बात करूँ जवाब दे दें आप। हाजर नाजर के बारे में, हाजर नाजर का किताब आप क्या समझते हैं अहले सुन्नत का? आप बरेलवी है ना मसलकन, तो आप जवाब दे दें कि आप क्यों कहते हैं ना कि अल्लाह के नबी हाजर नाजर हैं नहीं, माज अल्लाह, तो कोई कुरान की आयत है सही आप हदीस? नहीं, आप माजल्ला कह रहे हैं तो आप किस बात पर, आपने क्या अकीदा सुना है माजल्ला कह रहे जी हैं आप, हमने मुझे ये बताएं। सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजर और नाजर है, नहीं आप कहते नहीं मसलकन आला हजरत साहब का अकीदा है? नहीं, इसका मतलब ये है कि हर जगह हाजिर नाजर है अपने सुन। नहीं, आप कहते हो ना सर, नहीं मतलब आप जो माजल्ला कह रहे हैं आप तो आपने कहते हैं कोई माज अच्छी, अल्लाह, नहीं आप कहते नहीं हो अल्लाह वो हम तो कहते हैं ना तला हाजर आप जिस, नाजर है, अल्लाह के नबी तो हाजर नाजर तो नहीं है ना। नहीं आप इस हाजिर नाजर की जैसे जो माजल्ला कह रहे हैं माज इसमें अल्लाह तो क्या बनता है बुराई है, ना कि किस अल्लाह के बात नबी पर? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजर और नाजर है, कुरान की आयत पढ़ते हैं सैयद इस पढ़ दें। इसका नहीं, एक लफ्ज से हाजिर नाजर से आप ये किताब समझ रहे हैं, या आपने जाहिर किसी अहले सुन्नत की किताब को पढ़ा है? अहले सुन्नत बरेलवियों का कीदा मेरे भाई, किधर आप पहुंच किस रहे किताब हैं में पढ़ा है आपने? आपने सर? आपने सुनी सुनाई बात नहीं, कर रहे हैं या? कुरान की आयत पढ़े सही हदीस के हजूर करीम मैं आपसे सल्लल्लाहु बात अलैहि कर रहा हूँ, वसल्लम हाजर हैं। हाँ मैं बात कर रहा हूँ कि आपने जो माजल्ला पढ़ा है, आपको किस किताब में अकीदा ये मिला है? अहले आप सुन्नत बरेलवी की किस नहीं हैं? किताब में क्या लिखा है? बरेलवी नहीं हो आप? मैं सुनी हूँ अहले सुन्नत की, नहीं, मेरे लिए सर कोई सुन्नी नहीं आप बरेलवी हैं, ये आप दोस्त किसी और को कराइएगा, आप सुन्नी हैं, सुन्नी ये कैसे आप आप बरेलवी हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, आप बरेलवी ये हैं मेरे आला मैं अगर हजरत साहब नहीं के अगर मुकल्लिद हैं आप, इमाम अहमद रजा खान साहब के मुकल्लिद नहीं आप? मैं अगर आपको यहूदी कहूँ नाऊज बिल्ला में या जालिक, यहूदी किसी कैसे जवाब दें? कुरान की आयत पढ़े सही हदीस पढ़े? मैं बात ये है कि नहीं जितने नहीं आप नहीं यहूदी नहीं कहोगे बात या साबित जितने नहीं है सर, नहीं हूँ फंस गए हो ना, हूँ जवाब दें आपने कुरान की जो आयत लिखा है सैयद ईस में। किसी किसी का भी अकीदा नहीं है, नहीं मैं आप आपसे कहते हो बताया अल्लाह ना के आपको नबी किस किताब से मिला है। सलाम हाजिर और नाजिर है बरेल, इसका मतलब है अच्छा जी आज साबित हो गया कि बरेलियों का अकीदा नहीं हाजिर नाजिर का, आप रुजू कर नहीं, लें। वो अकीदा क्या है बस, एकदम से हाजिर नाजर से क्या आपको नहीं मुराद है? पता कीदा क्या है? यानी बड़े आप पके बताएं ना, बड़े हो आपने तुम? फोन किया ना, आप नहीं बताएं ना नहीं मेरे आप भाई, आपने नहीं फोन जवाब किया है। दें कुरान की ऐसे सही हदीस से, आप जवाब दें सर, ये गलत बात है सर। नहीं आप माजल्ला से कह रहे हैं, मैं माजल्ला आपको क्या सारा आप जवाब कुरान नहीं से दे भी सकते दूंगा, हैं? मैं कुरान की आयत नहीं है सही हदीस हदीस नहीं है, तो से रुजू भी कर रहे हैं आप? दूंगा, मैं हदीस से भी, मैं कुरान से भी दूंगा आपको, चलो हदीस से कुरान भी दूंगा, पढ़े आयत ठीक है जी, इधर ही पढ़े सारा आयत, कुछ, सारा कुछ, नहीं सारा अभी कुछ पढ़े आपको आयत, दूंगा आज ले उनकी मैं, पनाह सारा मदद कुछ। मांग ले उनसे, अल्लाह की मदद मांग, हाँ आज जवाब दें कुरान की आयत पढ़े सही हदीस पढ़े, मेरे सामने कुरान बढ़िया, पढ़ा हुआ है सही हदीस पढ़ी हुई है, जवाब दें। अच्छा आज ले मदद मांगो उनसे, आज आज अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह के नबी से मदद नहीं मांगनी, जो अल्लाह से मदद मांगनी है मेरे भाई, साहबा ने मदद मांगी है, अल्लाह के से मदद मांगी है सहाबा इकराम नहीं रजी अल्लाह साहबा ने, मुजमाइन ने, ये भी आप हजरत कहानियां अबू कराते हैं अभी किसी और को कराइएगा? हजरत कहानी नहीं नहीं क्या नहीं, जवाब दें कुरान की आयत से सही हदीस से, अल्लाह जो जो साहबी ने के कहा आप नबी थोड़ा मदद सल्लल्लाहु अलैहि कीजिए, वसल्लम अल्लाह के बाद नहीं हमारा मैं सब कुछ है, सहाबा हमारे सरों के ताज, अहले बैत सरों के ताज, तो मगर आपने वो जो सीधा मुझसे छोड़ा मदद होगा ना, मांग रहे उसका हैं, जवाब दें कुरान से नहीं हदीस से यार। वो जो देखें, सर बात देखना ये क्या, है कि नहीं, बात बात ये है कि हो रही आ ये क्या हुई बात, नहीं, जवाब आपसे क्या दें बात करनी, आप हैं कौन, सवाल जवाब आपने दें कुरान आपकी की आयत पढ़े सही हदीस आपकी पढ़े आपकी औकात क्या है जो हम सर, आपको औकात देंगे? क्या कुरान के आगे आपकी आपकी औकात है सही औकात हदीस के ही आगे? नहीं है, आप अपने आप आपकी को मुफ्ती औकात कहते ही हो, पता नहीं नहीं है जो किधर के आप मुफ्ती जो हैं, आप बोल रहे हैं, किसके मुफ्ती बने हुए हैं, किसने आपको मुफ्ती बना दिया? कुरान की आयत पढ़े सही भाई हदीस पढ़ दें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद से वफा तू ने के तो हम तेरे हैं, वो हाजरा नाजर है, मुझे जवाब दें कुरान की आयत है सैयद बुखारी हदीस पढ़ी पढ़ दें। आपने, बुखारी पढ़ी आपने, बुखारी पढ़ी मैंने है, बुखारी मुस्लिम तिर्मिज़ी इब्न माजा सब पढ़ी हुई है, आप कुरान की आयत पहले पढ़ो सर। 2311 नंबर हदीस नहीं पढ़ी है नहीं बुखारी नहीं नहीं की, 2311 नहीं, कुरान की आयत पढ़े ना पहले, अकीदा कुरान से साबित होता है, अच्छा कुरान हदीस नहीं कुरान से मानते, साबित ठीक होता है सैयद हदीस से है साबित आप होता है, अकीदा, आप कुरान हदीस नहीं कुरान मानते, से हाजर नाजर नहीं अकीदा आप कुरान से हदीस साबित को, करें, आप कह फिर रहे हैं कि, सैयद हदीस आप की कह रहे तरफ हैं कि मैं आए, हदीस को भी मानता हूँ, तो आप कह कुछ रहे हैं कि मैं क्यों हदीस को मानते भी हैं आप, मानता कुरान की हूँ, आयत पढ़े? मैं आपको हदीस से दिल सुना रहा हूँ, मैं नहीं आपको ना हदीस सर, सुनने के लिए नहीं आता ना, हूँ, आप कुरान सही किधर है? पहले कुरान तो पढ़ो ना यार, नहीं आप तो कह रहे हैं कि सही हदीस ना, मैं सही हदीस क्या? आपको कुरान तो बता रहा पढ़ो हूँ, ना, कुरान की आयत पढ़ो,
नहीं आप नहीं क्या बात है, नहीं सही नहीं कुरान ना डैमेज हैज बीन डन, कुरान की आयत पढ़ो। आप ये बता दें कि मैं हदीस को नहीं मानता। मैं हदीस शरीफ को मानता हूँ मगर पहले कुरान पढ़ो, कुरान की आयत पढ़ो फिर हदीस पढ़ो। कुरान को दलील दें चाहे वो हदीस आप दलील कुरान नहीं नहीं सर कुरान की आयत तो पढ़े ना। नहीं बताएं बताएं ये कि हदीस से अकीदा साबित नहीं होता। अकीदा कुरान से साबित हो, आपका अकीदा है आपके नाजर का कुरान की आयत पढ़े, कुरान की आयत पढ़े हदीस से साबित, हदीस से साबित पहले कुरान की आयत पढ़े फिर हदीस है फिर इस्मा उम्मत है फिर क्यास शरीयत दलाइल अरबा चार हैं, पहले कुरान की आयत पढ़े जी। अगर हदीस पढ़ी तो क्या, पहले कुरान की आयत पढ़े फिर हदीस पढ़िएगा। मैं हदीस को मानता हूँ मगर कुरान के बाद, अल्लाह को मानता हूँ अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी को मानता हूँ अल्लाह के बाद, अल्लाह के नबी को मानते हैं अल्लाह के रसूल को मानते हैं मगर अल्लाह के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयत पढ़ फिर सही हदीस पढ़ लें। अच्छा मैं कुरान पढ़ूंगा मान लेंगे, कुरान पढ़े कि जिसमें अल्लाह खुद फरमा रहे हो कि मेरे हबीब हाजिर और नाजर हैं, मैं अभी आपके अकीदे को मान लेता हूँ। चलो अच्छा जी नहीं शाहिद मुबशिर और नजीरा ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान कर रहे हैं, शाहिद से मुराद गवाही देना होता है, हाजिर और नाजर नहीं है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान ना करें आयत को, अल्लाह माफ करे क्या हो गया आपको। कुरान की आयत पढ़े कि इसमें अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नबी हाकिम हाजिर हैं, फिर बात चलेगी ऐसे नहीं। ये क्या कुरान, ये क्या 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 कुरान की आयत क्या है, शाहिद कहते हैं गवाही को, गवाह हैं अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लिए गवाह है, ठीक है ये नहीं कि हुजूर हाजिर नाजर हैं। मैं देखे ना मैं आपके सामने हूँ तो आप गवाही देंगे। सर नहीं ना अगर आप बयान कर रहे हैं किस सहाबी ने शायद की है एक्सप्लेनेशन की है, अबू बकर उमर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु अजमाइन वाले सलाम ने अजमाइन ने कौन से सहाबी कहते हैं इस आयत से मुराद हाजिर हाजिर है बताएं, कौन से इमाम मुज्तहिद नहीं होता है। पहले तो आपने कुरान की बात की ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान कर रहे हैं ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान कर रहे हैं अल्लाह के फरमा रहे हो कि मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर हैं, अल्लाह ने फरमाया हो। अच्छा वाह जी वाह, बात गलत कर रहे हो, अकल गलत कर रहे हो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान कर रहे हो यार, डरे अल्लाह से क्यों नहीं अल्लाह से डरे यार। क्या होता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये होता है वो कुल कौल सदीद, अल्लाह फरमाते हैं कि बात करो सच्ची बात करो खरी बात करो, जहाँ हाजिर और नाजर का खुद है वो साबित करो कि अल्लाह ने फरमाया कि उससे मुराद हाजिर और नाजर है। इन अरसलना के शाहिद मुबशिर और नजीर आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान कर रहे हैं, इससे मुराद हाजिर और नाजर नहीं सर भाई। मुताला करें अहमद रजा खान साहब की तरफ आए, अहमद रजा खान साहब ने गलत आपको पट्टी पढ़ाया, ठीक है ये जो हदीस बयान कर रहे हैं ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान कर रहे हैं। मैंने मुझे पढ़ी हदीस मैंने अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे मैंने नाजर का कीदा ये अगले दिन भी वो आए आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने कहा कि मैं मोहताज हूँ मैं गरीब हूँ और मैंने इसलिए जो है वो आपसे बात की है, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो झूठ बोल रहा है, उसने जो है वो दोबारा आना है, तो तीसरी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कहने पर मैं जो है वो बिल्कुल अलर्ट होकर बैठ गया, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जाहिर इतना अकीदा यकीन था कि आपने जो फरमाया कि आना है तो उस दिन आना था, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिल्कुल अलर्ट होकर बैठ गया। मामला ना होता जो तीसरी रात हुई तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वो चोर आया, आपने उसको पकड़ा, उसने कहा जी मैं आपको एक वजीफा सुनाता हूँ मालिक है मालिक है और उस वजीफे के मुझे छोड़ दें, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। उसने वजीफा सुनाया हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, ये तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको छोड़ दिया, उसने कहा कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ें,
तो मैं जो है वो सारी रातों को जो फरिश्ता है अल्लाह की तरफ से आएगा और वो फरिश्ता जो है वो गवाही देगा, यानी कि फरिश्ता हिफाजत करेगा। बयान कर रहे हो ना, तू से मोहब्बत उनसे पूछा कि बयान कर रहे हैं रात वाले चोर का क्या बना, रात वाले चोर की अरसल्ला उसने कहा कि आयतुल कुर्सी जो है वो आप पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी हिफाजत फरमाएगा। कह रहा हूं आपको सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की आयत जानते हो कि वो कौन है, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं जानता, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हां कराएं वो सर नहीं छोटा है लेकिन बात उसने अच्छी कही है, वो अच्छी तुम्हें मालूम है कि वो ने जो तीन रातों से तेरे से गुफ्तगू कर रहा है, तो अर्ज किया रसूलल्लाह नहीं, फरमाया कि वो शैतान था। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर में मौजूद हैं और आप उसे देख भी रहे हैं कि अबू हुरैरा के पास एक चोर आ रहा है, आप उसे पकड़ रहे हैं और पकड़ने के साथ फिर उसको ये भी देख रहे हैं कि शैतान है। ठीक है, वो शैतान वो बात है, वो आयतुल कुर्सी के बारे में बात भी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात गलत ज्ञानी न करें, आप हजरत साहब रजू करें, रजू कर लें। आज आज पता चल गया जी, आज मुफ्ती साहब के पास इलम नहीं है, अली नवाज साहब के पास ना कुरान की आयत पेश कर सके ना सही हदीस पेश कर सके। हमारे सारे नाज़रीन ने देख लिया, नाज़रीन ने देख लिया कि इन्होंने आयत पेश नहीं की, सही हदीस पेश नहीं की है, इसलिए ये जो है वो करेंगे उसके बाद फिर दूसरे को करेंगे उसके बाद कुरान की आयत भी पढ़ रहे। तो उसके बाद जनाब ऐसा हुआ कि आप बात कर रहे हैं कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, सही हदीस पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कुरान की आयत पढ़ रहे हैं जो है वो जैद जो है वो सर जी वही बात आ गई थोड़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे हाल किसी और से बात कर रहे हैं, जवाब भी देना चाह रहे हैं की आंखों में से आंसू और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में अल्लाह के नबी हाजिर नजर होते ना तो आम मुहाद्दिसीन आम मुस्तहिदीन से हवाई कमान रजियों का कीदा होता, अबू बकर उमर उस्मान अली रजी अल्लाह का रजी अल्लाह का ये तो आपने खुद सख्ता बनाया मेरे भाई, क्यों मदीने में तशरीफ फरमाए जो कुछ हो रहा है उसको आप ठीक है देख रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, मैं इतना खास हूँ कि नबी करीम सलाम हमारा सब कुछ है मगर अल्लाह के बाद खुदा बुजुर्ग का मुख्तसर मोहम्मद से वफात होने के जो हम ले रहे हैं ये जहाँ चीज है कि अल्लाह दे रहे हैं मगर अल्लाह के बाद अल्लाह के हबीब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है जी, अल्लाह के बाद आप आए पेश कर सके और आप ये पेश कर सके। आप साहब